आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड के लाल टेन के 568वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनाव बहुत नजदीक है, अगस्त का महीना पहला पखवाड़ा चल रहा है, सितंबर अक्टूबर कभी भी आचार संहिता की घोषणा हो सकती है, क्योंकि दिसंबर के पहले चुनाव होने की संभावनाएं चुनाव आयोग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को दी है। इस लिहाज से चुनाव बहुत करीब माने जा सकते हैं, सिर्फ 40-45 दिन का समय ही आपके पास बचा है, ऐसा माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम सिवनी जिले में, अगर जिले की बात करें तो सिवनी जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र होते थे, सिवनी, बरघाट, लखनादौन, केवलारी और घनसौर। परिसीमन और पुनरारक्षण के तहत सिवनी विधानसभा में घनसौर विधानसभा को विलुप्त कर दिया गया, उसके बाद 4 विधानसभा क्षेत्र सिवनी में बचे। सिवनी लोकसभा सीट हुआ करती थी, इसके जिसके विलोपन का प्रस्ताव नहीं था, पर सिवनी लोकसभा सीट को विलोपित कर दिया गया। सिवनी में 5 में से बची 4 विधानसभाओं में से 2 विधानसभा सिवनी और बरघाट को शामिल कर दिया गया, बालाघाट संसदीय क्षेत्र में, और केवलारी तथा लखनादौन 2 विधानसभा सीटों को शामिल कर दिया गया, मंडला लोकसभा क्षेत्र में। अब आज अगर बात कर रहे हैं सिवनी विधानसभा क्षेत्र की, तो सिवनी विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम शुरुआत से 1951 में सिवनी विधानसभा की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर विधानसभा क्षेत्र 93 हुआ करता था, और सबसे पहले यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराया। कांग्रेस के दादू महेंद्रनाथ सिंह सिवनी के विधायक बने 1951 में। ये आंकड़े आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे और ये आंकड़े आपको हर जगह मिल जाएंगे। हम आपको शुरुआत से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र और सिवनी जिला कांग्रेस का अवैध गढ़ हुआ करता था। इस गढ़ में सेंध लगाना बहुत मुश्किल होता था। सिवनी में 1957 में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 93 से बदलकर 117 हुआ, फिर दादू महेंद्रनाथ सिंह ने फिर परचम लहराया। 1962 में इसका विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर बदला, 195 हुआ, और यहाँ पर एक महिला राजकुमारी प्रभावती आरआरपी पार्टी से विजयी घोषित हुई। इसके बाद 1967 की बात करें तो यहाँ विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर बदला, इसका नाम 199 हुआ। 199 जब हुआ तब यहाँ पर M.R. जटार कांग्रेस से विधायक बने। फिलहाल हम आपको बता दें हमारे ठीक पीछे ब्रिटिश कालीन एक जो सर्किट हाउस है यहाँ पर, और इसके ठीक पीछे रेस्ट हाउस है। रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस, इन दोनों का निर्माण जब कराया गया था तो लोक निर्माण विभाग के सूत्रों का कहना है कि ये उसमें दर्ज है लोक निर्माण विभाग के दस्तावेजों में कि इसका निर्माण 5,000 रुपये में कराया गया था। आज 5,000 रुपये की कीमत क्या है ये आप समझ सकते हैं। ये और वो रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस दोनों का निर्माण 5,000 रुपये में कराया गया था। अब संभवतः यहाँ तहसील कार्यालय भवन बन रहा है या क्या बन रहा है सिवनी के लोगों के लिए, सिवनी के लोगों को कुछ पता नहीं है। ये भवन किसके लिए बन रहा है शायद ही सिवनी का कोई नागरिक जानता हो। सिवनी के नागरिकों को कुछ भी बताने की जहमत सांसद विधायक नहीं उठाते हैं। बहरहाल इसके बाद अगर हम आपको बताएं तो 1972 में विधानसभा क्षेत्र 199 ही रहा, और यहाँ पर NN शील, नितेंद्रनाथ शील यहाँ के विधायक बने, वे भी कांग्रेस से ही विधायक हुआ करते थे। इसके बाद 1977 में इसका विधानसभा क्षेत्र बदल कर 213 हो गया, और 213 जब 1977 में हुआ तब 1977 में सिवनी विधानसभा क्षेत्र विधायक बनी प्रभा भार्गव बाद में बरघाट से भी विधायक रही हैं। हम आपको सारे विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बताएंगे और उसके बारे में हम आपको एनालाइज भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस यहाँ धीरे धीरे रसातल में जाती गई। 1980 में, 77 के बाद 1980 में विधानसभा क्षेत्र 213 ही हुआ करता था, और यहाँ पर अब्दुल रहमान फारूकी विधायक चुने गए, वे भी कांग्रेस से थे। 1985 एक बड़ा
1985 को कांग्रेस के लोग बड़ा गर्व के साथ बता सकते हैं कि उनके विधायक हुआ करते थे। रमेश जैन 1985 में यहां से चुनाव जीते, वे आखिरी विधायक थे जो सिवनी से चुनाव जीते। सिवनी में रमेश चंद्र जैन मूलतः छपारा के निवासी थे, उनको उन्होंने यहां पर चुनाव जीता और उनके चुनाव जीतने के बाद 1990 में जब चुनाव हुआ तब से 2023 तक 1990 से 2000 10 साल, 2000 से 2010 20 साल, 2010 से 2020 30 साल और 2023 33 बरस से सिवनी में कांग्रेस का विधायक सिवनी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। जबकि अगर आप शुरुआत से देखें तो सिर्फ एक ही बार 1962 में आरआरपी कांग्रेस के अलावा आरआरपी यहां पर का परचम लहराया था, उसके अलावा कांग्रेस ही यहां से विधायक कांग्रेस के चुने गए। 1990 में जब चुनाव हुए महेश प्रसाद शुक्ला सिवनी से चुनाव जीते, वे मंत्री 1990 में जब उनके जो वे चुनाव जीते थे और वे मंत्री भी बने थे 1990 में सिवनी से मंत्री रहे। उसके बाद 1990 के बाद 1993 में जब पटवा सरकार गिरी एक बार फिर चुनाव हुए, सिवनी विधानसभा क्षेत्र फिर भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया, महेश प्रसाद शुक्ला यहां से फिर दोबारा चुनाव जीते। 1993 के बाद जब 1998 में चुनाव हुए तो 1998 में नरेश दिवाकर युवा चेहरा थे, महेश प्रसाद शुक्ला जब चुनाव जीते थे वे वरिष्ठ अधिवक्ता थे, कानून के बहुत अच्छे जानकार थे, समाज में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी और बहुत सादगीपूर्ण जीवन जिया करते थे, लोगों के दिलों में उन्होंने राज किया, तभी वे दो बार विजयी घोषित हुए। उसके बाद 1993 में महेश शुक्ला थे, 1998 में नरेश दिवाकर चुनाव जीते हैं और 2003 में जब दोबारा चुनाव हुए, 1993 में महेश शुक्ला चुनाव जीते थे, 1998 में पहली बार नरेश दिवाकर चुने गए, नरेश दिवाकर चुनाव जीते और 2003 में एक बार फिर जब चुनाव हुए तब 2003 में कांग्रेस की सरकार आखिरी बार दिग्विजय सिंह चुनाव हार की सरकार पदच्युत हुई, नरेश दिवाकर चुनाव जीते थे मध्य प्रदेश में, उमा भारती के नेतृत्व में सरकार बनी, नरेश दिवाकर विधायक रहे। उसके बाद बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल गौर के बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, नरेश दिवाकर मंत्री नहीं बन पाए। 2008 में जब चुनाव हुए तब परिसीमन और पुनरारक्षण के तहत सिवनी लोकसभा विलोपित हो गई थी और सिवनी की अंतिम विधायक अंतिम सांसद नीता पटेरिया थी, नीता पटेरिया को विधानसभा चुनाव लड़वाया गया और ये 213 विधानसभा क्षेत्र 213 के बाद 2008 में ये 115 हो गया, विधानसभा क्षेत्र बदलकर 115 हो गया। 115 जब विधानसभा क्षेत्र हुआ तब नीता पटेरिया यहाँ से चुनाव जीती। नीता पटेरिया के चुनाव जीतने के बाद 2013 में सिवनी में एक परिवर्तन फिर आया। पहला परिवर्तन 1990 में आया था जब कांग्रेस का तिलिस्म टूटा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2013 में एक बार फिर भारतीय जनता का पार्टी का तिलिस्म टूटा, नरेश दिवाकर राजकुमार खुराना दोनों को पराजित, कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को पराजित कर, विधायक उम्मीदवारों को पराजित कर दिनेश राय ने निर्दलीय रूप से पहली बार किसी ने परचम लहराया सिवनी में। एक बहुत बड़ा संदेश था सिवनी के सियासतदारों के लिए, सिवनी में जो नेतागिरी करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश था, वो संदेश समझ नहीं पाए। 2018 के चुनाव में दिनेश राय के बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि वे कांग्रेस के सदस्यता ग्रहण करेंगे, कभी कयास लगाए जा रहे थे कि वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करेंगे, अंततोगत्वा चुनाव के ठीक पहले उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली गई, दिनेश राय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और दिनेश राय जब बीजेपी के यहाँ पर सदस्य बनने के बाद चुनाव लड़ा तो दिनेश राय ने सबसे पहले 2013 में वे चुनाव जीते थे और उसके बाद 2018 में उन्होंने एक बार फिर परचम लहराया। ये पूरा लेखा जोखा हमने आपको बताया आज़ादी के बाद से आज तक सिवनी विधानसभा सीट का। सिवनी विधानसभा सीट पर कांग्रेस क्यों हारती आई है,
आखिर क्या वजह है कि सिवनी में कांग्रेस पांचों विधानसभाओं पर अपना परचम लहराती थी, उसके बाद सिवनी में कांग्रेस रतातल की ओर जाती गई, इस बारे में हम लगातार चर्चा करेंगे। सिवनी के बाद हम बाकी तीन विधानसभा क्षेत्र बरघाट, केवलारी, लखनादौन, इनका भी आपको इतिहास बताएंगे। इनका इतिहास बताने के बाद इस पूरे मामले में विश्लेषण होगा और सिवनी के जो नेता हैं कांग्रेस और भाजपा के, उन नेताओं से हम चर्चा करेंगे, रूबरू चर्चा करेंगे। आपके मन में जो प्रश्न घुमड़ रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर उनसे लेंगे। सिवनी में विमला वर्मा के द्वारा जो भी यहां सौगातें दी गई हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सिवनी राजनीतिक तौर पर बहुत समृद्ध हुआ करता था। एक समय था जब सत्ता की धुरी सिवनी से घुमा करती थी, जब विमला वर्मा और गार्गी शंकर यहाँ पर सक्रिय राजनीति में थे। गार्गी शंकर मिश्रा पेट्रोलियम मंत्री थे, विमला वर्मा मध्य प्रदेश में अनेक मंत्रालयों में मंत्री रही हैं। विमला वर्मा के ही प्रयास थे सिवनी में सिंचाई विभाग का कार्यपालन यंत्री छोड़िए, अधीक्षण यंत्री छोड़िए, मुख्य अभियंता का कार्यालय सिवनी में खुला था, जिसमें न जाने कितना बड़ा क्षेत्र आया करता था। सिवनी में सबसे बड़ा एशिया का मिट्टी का बांध भीमगढ़ बांध अगर है तो वो विमला वर्मा की देन मानी जा सकती है। माफ कीजिए, उस दौर में सिवनी में आरटीओ ऑफिस हुआ करता था, जिस आरटीओ ऑफिस के अधीन मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा जैसे जिले आया करते थे। सिवनी में नेशनल हाईवे का, राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्यपालन यंत्री का कार्यालय हुआ करता था। सिवनी में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री एसी का कार्यालय हुआ करता था। सिवनी में एक दूध डेयरी हुआ करती थी। सिवनी में मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जो लोगों की धड़कन थी, एक स्थान से दूसरे स्थान अगर आपको जाना है तो राज्य परिवहन सड़क, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की यात्री बस से आप जाया करते थे, उसका डिवीजनल ऑफिस संभागीय प्रबंधक इसी सिवनी में बैठा करते थे। संभागीय कर्मशाला राज्य परिवहन की इसी सिवनी में स्वीकृत हुई थी, जिसे बाद में जब दिग्विजय सिंह का शासनकाल था उस शासनकाल में प्रेम नारायण ठाकुर, वर्तमान में वे भाजपा में है, कांग्रेस की तरफ से जब परिवहन मंत्री बने तो प्रेम नारायण ठाकुर उस संभागीय कर्मशाला को छिंदवाड़ा लेकर थे उठा के। उस संभागीय कर्मशाला के लिए अगर आप मंडला रोड पर जाते हैं तो आमाझिरिया के बाद एक बड़ा सा टर्न आता है, बोरकल कापा के ठीक पहले आप देखिए, वहाँ पर अभी भी उसकी नींव के पत्थर आपको लगे हुए दिखाई देंगे। बहुत बड़ी जगह उनके द्वारा, विमला वर्मा के द्वारा यहाँ पर आवंटित कराई गई थी। अस्पताल हमारे ठीक पास में है, ये अस्पताल किसी और की नहीं, मेडिकल कॉलेज की क्षमता वाला ये जिला चिकित्सालय सिवनी 70 के दशक में विमला वर्मा के द्वारा बनवाया गया था। ये विमला वर्मा की देन है सिवनी में। आज मेडिकल कॉलेज की बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय करते हैं, वे मेडिकल कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात हम दावे से इसलिए कह सकते हैं कि 2018 में मेडिकल कॉलेज की बात की गई थी, 2023-24 शैक्षणिक सत्र आरंभ हो गया है, अभी तक दाखले नहीं हुए हैं। पीएमटी और चाहे सीपीएमटी हो, जो भी परीक्षाएं होती हैं मेडिकल के दाखिले के लिए, उसमें सिवनी मेडिकल कॉलेज का नाम कहीं नहीं है। यहाँ पढ़ाई कब आरंभ होगी कहना बड़ा मुश्किल है। ये सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के जवाब हम सिवनी में जो सियासतदार हैं, जो यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के, जो भी आकर कैमरे के सामने बात करना चाहेगा हम उनसे बात करेंगे। आपके हर प्रश्न का जवाब हम उन सारे लोगों से लेंगे। अगले एपिसोड में हम बरघाट, केवलारी और लखनादौन के बारे में आपको बताएंगे किस तरीके के परिणाम वहाँ रहते आए हैं आज़ादी के बाद से आज तक, और उसके बाद चारों विधानसभा का विश्लेषण किया जाएगा। उसमें अधिकारी जब यहाँ पदस्थ थे वो अधिकारी क्या कहा करते थे, ये भी हम आपको बताएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी के लालटेन के 568 एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी के लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी के लालटेन का 569 एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।